अच्छा, ये सिर्फ पानी की फोर्स चल रहा दोस्तों, और एक ही चक्की है, मतलब छोड़ते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं। देखो इन्होंने फट्टे का इस्तेमाल किया, लकड़ी का। हेलो नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों आटा पीसने की सबसे पुरानी टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घराट की या घराटों की, जो आज के टाइम में विलुप्त हो चुके हैं जो दोस्तों, या बंद हो चुके हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऐसे ही एक जीवित घराट दोस्तों। जीवित मैं तब बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी यहाँ आटा पीसा जाता है, और इन घराटों को लुप्त हुए दोस्तों, जमाना हो गया। अब कहीं कहीं आपको घराट देखने को मिलेंगे या घराट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल घरों में छोटी मशीनें या बड़ी मशीनें आटा पीसने की आ चुकी हैं। बट पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, लोग 50-50 किलोमीटर दूर पैदल चलते थे और वहाँ आटा पिसवाते थे। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों, जहाँ मेरे घर हैं वहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारे दादा परदादा या नाना लोग जाते थे और शाम को आटा पिसवाने जाते थे और अगली सुबह लौटते थे दोस्तों। इतना मशक्कत भरा था आटा पिसवाना। तो उन घराटों को आज दिखाऊंगा जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप इस चीज़ को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा लोग ये जान सके, देख सके कैसे पुराने टाइम में लोग आटा पिसवाते थे और कितनी मशक्कत भरा ये काम था। और घराटों में पानी की फोर्स के साथ चक्की को चलाया जाता है दोस्तों, और यहाँ का आटा और जो इलेक्ट्रिक मशीनें हमने घर में रखी होती है, उस आटे में दिन रात का फर्क होता है, दिन रात का अंतर होता है। क्या टेक्निक है, कैसे उसको चलाते हैं और क्या क्या उनके विलुप्त होने के क्या क्या कारण रहे, ये सब कुछ जानेंगे यहाँ के ऑनर से दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए फिर करते हैं स्टार्ट। कई वर्ष पुराने ये घराट है दोस्तों, और सामने अंकल जी हैं यहाँ के ऑनर, उनसे बात करेंगे, पूरी टेक्निक जानेंगे। तो ये है यहाँ का व्यू दोस्तों, और इस गांव का नाम है मैरीकाथला। मैरीकाथला में हम हैं, और ये रोड जाता है कुठेड़ा टुलद्रा रोड जाता है दोस्तों। जस्ट इस रोड के साथ में निचोड़ साइड आपको मिलेगा ये घराट, देख लो दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लो कितना पुराना ये घराट हो सकता है। तो आज एक नया अनुभव आप करेंगे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप। और पुराने टाइम में इस जगह दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ लगी होती थी, लाखों लोगों की भीड़ लगी होती शायद, जो हम सब अंकल से जानेंगे। अंदर आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों, और इस घराट की सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि बिल्कुल पुराने तौर तरीके से की कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। आप देख सकते हैं मिट्टी का बना वो घराट है, और ऊपर भी ये देखो टीन के पत्ते हैं साइड, ये देखो जी। और यहाँ से पानी आ रहा है दोस्तों, यहाँ से पानी आ रहा है, इस साइड से पानी आ रहा है। ये बिल्कुल टेक्निक समझने वाली है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल अब नहीं होता है। तो अब ये है घराट के अंदर का व्यू दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं, पुराने तौर तरीके से बना हुआ, और वैसे ही मिट्टी की लपाई पुताई आज भी अंकल लोग करते हैं। और ये है जी पुराने तरीके के बने हुए ये बटिया अंकल जी हैं, ये तोड़ने के लिए दोस्तों, तोड़ने के लिए जब किलो या वो जो बट्टे नहीं आए थे दूसरे वाले, तो ये पुराने तरीके के पुराने ही इन्होंने रखे हैं, जो बट्टे जिनको बोलते हैं दोस्तों, तोड़ने वाले। ये देखो आप पत्थर के बने हुए, और ये है जी घराट। इस टेक्निक को मैं आज आपको दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों, और ये है जी घराट, आटा चक्की सबसे पुरानी टेक्निक अंकल जी है, ठीक है। तो ये पानी ये फोर्स ने चलाया ना, पानी की फोर्स से चलता है। अब ये पानी कहाँ से आता है, जिसके अंदर ही अंदर पानी कहाँ से छोड़ते हैं आप? अच्छा, वो भी आपने बताया कहाँ से छोड़ते हैं आप पानी ना जी। तो ये इसको क्या बोले अंकल जी, ये वाली चीज पोटली बोला है, पोटली। इस तो दाने, इसमें दाने डालने आपने? अच्छा, देखो दोस्तों इसमें दाने डालते हैं अंकल लोग, और इसका जुगाड़ी उन्होंने कर रखा है ऐसे, ये देखो ऐसे जुगाड़ी उन्होंने कर रखा है। इसमें दाने डालेंगे आप, और दाने हल्के हल्के नीचे गिरते रहेंगे ना जी, थोड़ा ऑन ऑफ तो कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, इससे दाने की कम बद हुई है मतलब। अच्छा ठीक है, ये देखो दोस्तों ये वाला अंकल बता रहे हैं, ये हैंडल वो एक हिसाब से ना जी, इस तो थोड़ा ढीला छड़ देंगे तो क्या होना जी, अच्छा ज्यादा दाने आने नीचे पोटली है थल्ले, मतलब इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा दाने गिरेंगे। हाँ जी, और कम कर देंगे थोड़ा कम होंगे। अच्छा अंकल जी, गेहूं और कड़ा चावल का आटा, गेहूं और मक्की का आटा। अच्छा, ये सिर्फ पानी की फोर्स चल रहा दोस्तों, और एक ही चक्की है अंकल जी ने अभी घुमाई, अभी इनके पास दाने नहीं है। पर इस घराट की सबसे खास बात यह है कि घराट अभी भी जीवित है, जीवित इन द सेंस अभी भी इनको चलाते हैं, अभी भी यहाँ से लोग आटा ले जाते हैं ना अंकल जी, आटा ले। और ये तो बड़ा मुलायम आटा लग रहा है, देखा तू बिल्कुल नहीं लग रहा है, पाउडर जो इस्तेमाल आप घरों में करते दोस्तों, वैसा ही आटा है। और ये है जी घराटों की ताकत, आज के टाइम में ये चीजें बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। सामने आप देखते हैं बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ही पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ये देखो। और अच्छा अच्छा, ये टेक्निक भी दोस्तों, ये क्या चीज अंकल? इसको बोला है खुंडा है ना। अच्छा खुंड है, खूंटा बोल दो आप। अच्छा हाँ, उसको उठाएंगे ऊपर ना। अच्छा जी, ऊपर वो उठ जाएगा। अच्छा,
और मोटा लग जाएगा। अच्छा अगर थोड़ा आपने जे बैसी मुसी खातर मैं इसी मुसी दाला पीना ना मतलब ना तो इस थोड़ा ऊपर चक लेना तो थोड़ा मोटा पीना अगर थोड़ा नीचे कर देंगे तो थोड़ा ये आटा पीसने खातर बिल्कुल नीचे करने पवा हाँ बिल्कुल बारीक आटा। अच्छा ठीक है। और अंकल जी मान लो मैं मतलब 15 या 20 किलो का आटा कोई लाता है ना तो कितने का टाइम में पीस देता है शाम को? अच्छा पानी की फोर्स भी डिपेंड करती है, पानी ज्यादा फोर्स हो ना तो ज्यादा जल्दी पीसेगा। अब रोकेंगे कैसे इसको? पानी बंद करेंगे इसको। अच्छा पानी बंद करेंगे रोकेंगे। ठीक है ये वाली टेक्निक दोस्तों ये ओटली अंकल ने बताई। ये चक्की है ना ये पत्थर बन रही है चक्की और एक ही घूमने वाली है, एक फिक्स है, ये फिक्स है जी सिर्फ ये ही घूमेगी और ये फिक्स है दोस्तों। और इसके बीच जो दाने यहाँ से गिरेंगे इसके बीच में जो दाने आएंगे वो पीसते हुए ऐसे मतलब आटा बन के ऐसे निकलेगा। और ये वाला आटा दोस्तों मैं आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पाउडर है जी, बिल्कुल पाउडर जरा जितना पाउडर सॉफ्ट हुआ ना जी वैसा ही आटा है। मैंने सोसाइटी में या जो घरों में इलेक्ट्रिक मशीन का आटा होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट है और ये मेरे ख्याल से लाभदायक और सेहतमंद भी उतना बढ़िया होगा ना जी, पौष्टिक इसको पौष्टिक आटा ऐसा है ना जी, गिरी नहीं मरेगी गर्म नहीं होगा। अच्छा आटा गर्म नहीं निकलेगा। अच्छा हाँ ये एक और बात अंकल जी बताने दोस्तों बड़ी अच्छी की जैसे इलेक्ट्रिक मशीन आप घरों में यूज करते हैं उसमें आटा गर्म आटा निकलता है, इसमें गर्म आटा नहीं बिल्कुल आटा जैसे आपने डाले बिल्कुल ठंडा जैसे मतलब दाने डाल रहे वैसे निकल रहा है जी बढ़िया ना। और मैं आपको लेके आया हूँ पुराने मतलब घाट के बैक वाली साइड जहाँ से पानी छोड़ते हैं जिस फोर्स से ये जो चक्की आपने अंदर देखी वो घूमती है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाला है जी पानी। अच्छा और ये पानी जा रहा है अंदर ये वाला पानी जा रहा है अंदर ना, इसी की फोर्स से वो आटा चक्की घूम रही है जी चक्की। इतना बढ़िया पानी है शुद्ध पानी है बढ़िया क्लिस्टर की वाटर दोस्तों और इसी की फोर्स से दोस्तों ये अंदर जा रही है फोर्स से पानी और उसी फोर्स से ये चक्की घूम रही है। मतलब ये जो पानी गिर रहा है पंखे पे गिर रहा है, पंखे पे गिर रहा है ना पंखा घूम रहा है। अच्छा और वही चक्की को घुमा रहा है फिर जो पानी है वो फिर चला जा रहा है वैसे आगे चला जा रहा है ये ऊपर ये भी रनिंग ग्राट है दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं। इसी पानी की यूज से किसी टाइम 4 या 5 ग्राट चलते थे देखो आप, थोड़ा गर्मियों में मेरे ख्याल से मशक्कत आती होनी आपको ना पानी कम हो जाता होना या थोड़ा बरसात में तो बड़ा ज्यादा आता हूँ अंकल जी। तो जी हाँ मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे ना अंकल जी ना बरसात के टाइम में मिट्टी आती है पानी में ना सिल्ट जिसको बोलते हैं हम ना उस टाइम को दिक्कत मशक्कत आती है। अच्छा यहाँ सिल्ट आती है मिट्टी आती है अच्छा ये पानी बस मतलब बोला ना ये नाला बन रहा है ये नाला इसके नीचे भी नाला ही है मतलब एक साथ लकड़ी का बनाई है ना आगे। अच्छा आगे लकड़ी के नाली बनाई है प्रेशर बनाते हैं। अच्छा वो देख खींच सकते हैं नीचे वो चेक वो नहीं है अंदर ही अगर खराब हो जाए तो वो किस तरह से होंगे खराब हो जाए तो फिर ये बंद करना है करने नीचे जाना देखे। अच्छा फिर सारा निकालना हो तब जाके। अच्छा 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 तो दोस्तों ये वाली टेक्निक है यहाँ से पानी आता है पानी नीचे फैन पे गिरता है वो पंखा भी हम आपको दिखाएंगे उसी जो फैन जब घूमता है दोस्तों वो आटा चक्की घुमाता है तो वही दाने पीसते हैं। इतनी सी टेक्निक है सिर्फ आटा पीसने की और सबसे पुरानी टेक्निक है बिल्कुल नेचुरल टेक्निक है इसमें किसी भी वो इलेक्ट्रिकल का यूज नहीं अंकल जी ना किसी भी उसका यूज नहीं सिर्फ इस पानी की फोर्स चाहिए पानी चाहिए आपके पास और शुद्ध आटा दोस्तों गर्म आटा आपको मिलेगा नहीं बिल्कुल जैसे आप दाने डालेंगे वैसे आपको आटा मिलेगा। ये है दोस्तों जब पानी अगर बंद करना हो जैसे जब घराटिनो चलाना हो तो पानी ऐसे मतलब छोड़ते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं। देखो इन्होंने फट्टे का इस्तेमाल किया लकड़ी का फट्टा और ये बोरियां डाल दी और ऐसे ही पानी बंद कर दिया जाएगा और ऑन करना हो तब भी इस फट्टे को हटा देंगे तो पानी ऑन हो जाएगा ना जी। अब देखो आटा चक्की की बिल्कुल भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये फैन है ना अंकल जी इसमें लकड़ लगेगा एक लकड़ी यहाँ लकड़ लगेगा गोल तरीके का मतलब कोई भी गोल तरीके जैसे ये लकड़ी रखी है आपने गोल तरीके का लकड़ लगा देंगे आप ठीक है वो बन जाएगा ऐसे घूमने लायक बन जाएगा। अच्छा फिर उस पर पानी की फोर्स ऊपर से फेंकेंगे फेंकेंगे और ऐसे चलेगा ना ये। अच्छा 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 तब ये घूमेगा घूमेगा और चक्की भी वो थोड़ी कम वजन नहीं है चक्की भी ये जो चक्कियां रखी है आपने सामने ना जी कम से कम क्विंटल के से ऊपर वजन होगा इनका और इतनी फोर्स पानी की आ जाती है कि वो चक्की घूम जाती है। अच्छा तो ये कितने का टाइम निकाल लेता है अंकल एक पंखा ये तो चलो उसका ना लोहे का ना लकड़ का होता था। अच्छा लकड़ का होता था पहले लकड़ का होता था। हाँ हाँ कितना का साल पुराना ग्राट है हमारे दादी का टाइम का है। अच्छा लगभग 100 वर्ष से ऊपर ऊपर हो गया 200 वर्ष 200 वर्ष। अच्छा काफी भीड़ होती थी। अच्छा लगभग रात को भी बंदे रहते थे यहाँ। अच्छा अच्छा उस टाइम तो लगभग कोई
10-15 गांव थे, 10-15 गांव हैं। पर उस टाइम ऐसा भी था अंकल जी की ग्राट ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत ज्यादा थे, और एक आमदनी का सोर्स भी अंकल जी है ना, आमदनी का सोर्स था। तो ये जो चीजें थी, ये पानी यहाँ अवेलेबल 12 महीने रहता जी, और 12 महीने चलते रहते हैं, 12 महीने। और आज भी तू है तीसी के ने चलाया रहे ग्राट। आप लोग कभी इलेक्ट्रिकल मशीन आटा तो खाने लगे? अच्छा, जो आजकल अंकल इलेक्ट्रिकल मशीन आई है, छोटी छोटी मशीन आई है ना, और ग्राटर आटा, क्या फर्क लगा तू अपने? उसकी गिरी जी हुई अनाज दी वो खत्म हुई है। अच्छा, इसकी गिरी नहीं खत्म होनी। ये पौष्टिक आटा भी थोड़ा पौष्टिक भी होता इससे। अच्छा, इससे जड़ी चपाती बननी है आटे ना, और उस आटे चपाती फर्क अंकल बहुत ज्यादा। अच्छा, ये नरम होगी वो पाउडर की तरह नरम है जी आटा ना, पाउडर की तरह नरम है अंकल जी, ये नरम होगी आटा। अच्छा, रोटी उसकी सख्त होगी। इस जगह भीड़ लग रही होनी पहले, भीड़ लग रही होनी, और लोग सुख शांति गप्पा मारते होने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। अज 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं अंकल जी, मतलब पुरानी को गल रही नहीं ना, पुराने बहुत टाइम ही नहीं। हाँ, आज भी तू जीवित रख रहा ना, है ना बिलुप्त नहीं है, घर घर लाई लिया छोटी चक्कियां। अच्छा, ये भाई जाना नहीं है, जाना नहीं है कितनी लोग जाने अणखा है, पुराने सियाने अंकल जी 50-50 किलो बजनी या 40-40 वजन चक्का बहुत ज्यादा, इतनी नहीं मिलती बिल, इतनी अपनी उकड़ियां चला ही उस टाइम। अच्छा, उका उका तो उस चली रहना 12 महीने की होना बस। अच्छा, फिर महफल लगी रहनी। अच्छा, महफल लगनी, गप्पा मार दे रहना, और तीसरी आने सो एक मतलब देना से उका लाओ जी, उका मार अच्छी पीने वाले से पियां थे। अच्छा, और रात भी सही दड़ पौन देना, सही होंगे लोग। अच्छा, मतलब तीन हजार आटा नहीं पीसे ना अंकल जी, एक तुम्हारे परिवार मतलब पुश्तैनी काम था, काम है तुम्हारा मतलब ना, तुम्हारे बुजुर्ग भी पीने होने, तुम्हें भी अगे चला रहे, मतलब ये बड़ी 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 गल है, आप इस जमाने में 2022 में इस चीज को चला रहे हैं जी, नहीं तो इस चीज कौन पानी ऑन करो, कौन करो, एक बटन दबाओ घर में और आटा तुम्हें घरे ताली ले लो। हाँ जी, हाँ जी, और अभी भी लोग अंकल जी गाँव वाले आस पड़ोस रही थी आटा पिसवाने में, पिसवाने में तुम्हारे गाँव वाले मैक्सिमम है की आस पड़ोस गाँव वाले परे भी आ जाए। अच्छा, इस आटे में लाइक देखियो फिर लगे पता भी कैसा। अच्छा, अगर इस आटे खाली इस आटे बनाएंगे तो खाली बनाओ ता तो बहुत बढ़िया। अच्छा, पर तीसरी भी मलाई ने भी खाओ ता भी। अच्छा, भी ताकत है इस रे चपाती की, उसरी चपाती दी नात्र फर्क बहुत ज्यादा, बहुत फर्क। क्या बजाय तू आज भी चला रहा है? चला रहा भाई, चलो अपने सुगल मेले ही सही, सुगल मेले सही मतलब। हाँ, अंक जी तो मैं बड़ा धन्यवाद करना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली जनरेशन को सब पता लग सके कि ऐसे हमारे बुजुर्ग आटा पीसते थे, ऐसा आटा पीसने की भी एक टेक्निक है जिसको घराट हम बोलते हैं। और अंकल जी से दोस्तों एक मेरे को अहम बात पता चली है कि जो आजकल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो टर्बाइने घूमती है या रिजर्वायर आप देखते हैं, तो यही टेक्निक है दोस्तों, यही इसी टेक्निक से आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट जितने बड़े प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, यही टेक्निक है दोस्तों, उनको थोड़ा एडवांस कर दिया होगा, थोड़ी मशीन एडवांस है, बस ऐसे ही पानी स्टोर किया जाता है, उस पानी की फोर्स से बिजली जो तैयार होती है वो इन्हीं ग्राटों के लिए ना दोस्तों, यही ग्राट पहले होते थे और ये इसी सीख से किसी ने सीखा होगा कि ऐसे ही बिजली तैयार की है ना। बिल्कुल, जैसे आप पीछे 50 साल पीछे चल जाओ तो हर एक गाँव में ऐसे ग्राट होते थे और लोग इन्हीं का आटा खाते थे, तो शायद उन बुजुर्गों की सेहत ताकत और बड़ी उम्र का यही ये भी इसमें भी काफी अहम रोल है। तो ये वाली चीजें आप दिन प्रतिदिन जो विलुप्त हो रही है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीजों को शेयर जरूर करें, ताकि शेयर करेंगे तो काफी लोगों को पता लगेगा और शायद काफी ज्यादा लोग यहाँ आटा पिसवाने भी आए आपके पास ना जी, तो ये जीवित रहेंगे उस वजह से, आपके पास काम पड़ेगा नहीं तो जीवित रहेंगे। बिल्कुल जी, अगर काम नहीं रहेगा तो आपको बंद करना पड़ेगा ये चीजें, है ना। और आप भी कोई बात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग आपको आपके साथ बात बताई होगी दोस्तों, जब वो आटा लाने जाते थे कहाँ से आटा लाते थे और कितनी मशक्कत करते, तो आप जरूर कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को इस तरह प्यार देते रहें दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, जय हिंद, जय हिमाचल।